हिंद भारत आपकी अपनी आवाज नमस्कार हिंद भारत न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ चंचल जहाँ एक तरफ देश विदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर कई तरह के नए नए दावे किए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ भारत के टॉप हेल्थ एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स का दावा है कि ओमिक्रॉन नेचुरल वैक्सीन की तरह भी काम करता है हालांकि इस बात से सभी बेहद हैरान हैं और साथ ही लोगों के मन में एक डर भी बना हुआ है आपको बता दें कि आउटलुक मैगजीन से बात करते हुए जेएनयू के प्रोफेसर और प्रख्यात इम्यूनोलॉजिस्ट डॉक्टर गोवर्धन दास ने कहा है कि उन्हें विश्वास है ओमिक्रॉन कोरोना की नेचुरल वैक्सीन है डॉक्टर दास के मुताबिक ओमिक्रॉन डेल्टा का ही माइल रूप है। हालांकि समय के साथ साथ वायरस कमजोर हो गया है और आज वैज्ञानिक के, के अनुसार ओमिक्रॉन के ढेर सारे म्यूटेशन इंसान के शरीर के लिए अच्छे हैं वे मानते हैं कि हम जितना ज्यादा वायरस से लड़ेंगे हमारा इम्यून सिस्टम कोरोना के खिलाफ उतना ही मजबूत होगा डॉक्टर दास का मानना है कि ओमिक्रॉन इस समय कोरोना के लिए उपलब्ध सबसे कारगर वैक्सीन साबित हो सकती है वहीं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के वैज्ञानिक डॉक्टर मेहरा का भी कुछ ऐसा ही बयान सामने आया है है उनके अनुसार ओमिक्रॉन हमारे लिए वरदान साबित हो सकता हालांकि इस वेरिएंट से हर देश में एक जैसा संक्रमण होता है या नहीं यह देखना अभी बाकी है आपको बता दें कि मैक्स हेल्थ केयर के ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा भी ओमिक्रॉन कैन वर्क एस ए नेचुरल वैक्सीन के तर्क से सहमत है साथ ही उनका ये भी कहना है कि ओमिक्रॉन का कमज़ोर होना उन गरीब देशों के लिए अच्छा है जहां वैक्सीनेशन ना के बराबर हो रहा है उनके मुताबिक यह वेरिएंट कम लक्षणों के साथ ज्यादा लोगों को संक्रमित करेगा जिससे आबादी का बड़ा हिस्सा वायरस के खिलाफ इम्यून हो जाएगा पुणे के डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ बनर्जी का कहना है कि जानलेवा वायरस एक व्यक्ति को संक्रमित कर उसी के साथ मर जाता है मगर उसका माइल्ड वेरियंट नेचर में जिंदा रहकर तेजी से फैलता है और लोगों की इम्यूनिटी बूस्ट करता है खैर स्थिति चाहे जो भी हो परंतु हमें कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करना बेहद जरूरी है क्योंकि यदि मरीजों की संख्या बढ़ती है तो देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से मुसीबत में आ सकता है फिलहाल इस खबर में इतना ही और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद भारत न्यूज देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हिंद भारत लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें